हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं मायापुरी अपडेट्स, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर साउथ फिल्म हनुमान की काफी तारीफ हो रही है। लोगों ने मूवी के डायरेक्टर, उसके VFX इफेक्ट्स और स्टोरी टेलिंग की भी जमकर तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों के बजट पर सवाल भी खड़े करे हैं। नाइट मैनेजर अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला ने खुद को सोशल मीडिया के बीच फंसा लिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी बिफोर और आफ्टर वाली तस्वीरों से सर्जरी की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने अनुमान लगाया है कि अभिनेत्री ने चेहरे की सर्जरी करवाई है और नेटिजन्स ने उनके लुक पर काफी नेगेटिव रिएक्शंस दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वो पहले काफी ज्यादा सुंदर थी और अब उनका चेहरा काफी मर्दाना हो गया है। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो सेल्फी लेती नजर आ रही है। प्रियंका ने जो फोटो शेयर की है वो मालती ने खुद ही क्लिक करी है। मालती की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फैंस फोटोज पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और अपना प्यार बरसा रहे हैं। अजय देवगन की मूवी रेड 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जो 15 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। अजय देवगन के साथ फिल्म में वाणी कपूर लीड रोल में नजर आएंगी और अब खबर आ रही है कि फिल्म रेड 2 में नेगेटिव लीड रोल के लिए रितेश देशमुख को कास्ट कर लिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इंस्टाग्राम पर एक दूसरे की काफी अडोरेबल पिक्चर्स पोस्ट करते रहते हैं और अब कुछ समय पहले ही इस जोड़े को एक बार फिर से मुंबई में रोमांटिक डिनर डेट एंजॉय करते हुए स्पॉट किया गया है। क्लिप में चुलबुली अभिनेत्री को कुछ कलरफुल बलून्स पकड़े हुए अपनी कार की ओर भागते हुए देखा जा सकता है। उसके पीछे जहीर भी थे, जो सोनाक्षी के साथ उसी कार में बैठे और वहां से चले गए। मुंबई में नंदिता मेहतानी के फैशन शो में शो स्टॉपर बनकर करण जौहर ने काफी स्वैग और सुर्खियां बटोरी हैं। रैंप पे जादू बिखेरते हुए फिल्म निर्माता काले वेलवेट पैंट्स और एक प्रिंटेड जैकेट में काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। उन्होंने जैकेट को अपने कंधों पर लटका रखा था। शाहिद कपूर और कृति सैनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का टाइटल हाल ही में अनाउंस किया गया था और अब इस फिल्म के पहले गाने लाल पीली अखियां को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें शाहिद कपूर अपने किलर डांस मूव्स दिखा रहे हैं। गाने में शाहिद कपूर को कुछ अनोखे अंदाज में डांस स्टेप करते हुए दिखाया गया है, जिससे उनके फैंस को एक बार फिर उनसे प्यार हो गया है और गाने में उनके साथ कृति सैनन भी है। फेमस सिंगर सनम पुरी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। बता दें कि उनकी गर्लफ्रेंड जुचू बेनी तुंगू से नागालैंड में शादी रचाई है। रिपोर्ट की माने तो 11 जनवरी को उन्होंने नागालैंड में क्रिश्चियन रीति रिवाजों के तहत ही शादी की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। 11 जनवरी 2024 को फिल्म मेकर्स ने मैं अटल हूँ का नया गाना हिंदू तन मन को रिलीज किया है। इस गाने को कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है और इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदू तन मन की कविता को पूरे तरीके से दिखाया गया है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।